हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नए फॉर्मूला, जो एक्सेल 365 के जो नए फॉर्मूले हैं, उस नए फॉर्मूले पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब इस नए फॉर्मूले में हम बात करेंगे बायकॉन, क्योंकि इससे पहले हमने तीन फॉर्मूले बात किए, लेट की, दूसरा हमने बात किया लैम डी की, लैम बी डी की। हम बात करेंगे बायकॉन एंड बाय बाय कॉलन, माफ कीजिए, कॉन नहीं है, बाय कॉलन। तो क्या है फॉर्मूला? अब जैसे कि आपके सामने डेटा है, मैं चाहता हूं इन सब का टोटल निकालना, इन सब का टोटल निकालना। पहली बात तो हम जनरली इस पे यहाँ पे सम करेंगे। अब सम करके जब ड्रैग करेंगे, ड्रैग करना होगा तो क्या होगा कि हर में अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक काम में हम एक सेल में एक फॉर्मूले के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे? तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल अगर निकालने हैं तो हम करेंगे यहाँ पे हम सम लगाएंगे। जनरली तो यही करते हैं ना, कब इसको सेलेक्ट किया, सम लगाया और फिर सम को आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो आपका टोटल इस तरह से आएगा। लेकिन इसी काम को हम देखिए बाई कॉलम से एक सिंगल फॉर्मूले से करते हैं। बाई कॉलम एरे में हमने अपना पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसमें फंक्शन, तो फंक्शन में हम लिखेंगे लैम्डा और हम ए लिख दिया। ए ऐसे दे दिया, एबीसीडी जो वेरिएबल्स होता है, और यहां पे हमने कर दिया सम ए और एंटर प्रेस करके एस कीजिएगा। देखिए सबका टोटल यहां आपको दिख गया, सबका टोटल दिख गया। अब इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, जहां पे हम एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, एक्सेस, डैशबोर्ड, टैबलू, एसक्यूएल सर्वर की बहुत सारे वीडियोज अपलोड करते हैं। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियोज आपको इकट्ठा मिले तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग के नाम से, इस आईपीटी के लोगों के नाम से, मेरा माई इंस्टीट्यूट के नाम से आईओएस पे भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक डाला होगा, लिंक डाल दे सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं मेरे साथ ट्रेनिंग लेना लाइव जूम के थ्रू, वन टू वन आप आए और अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस करें, तो आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाना होगा। क्लासेस पे जाके यहाँ आपको दिखेगा ज्वाइन डेमो, डेमो क्लास पे क्लिक कीजिए और डेमो क्लासेस के फॉर्म को फिल कर दीजिए। आपको दिख रहा है डेमो क्लासेस का फॉर्म, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और मेरे साथ दो तीन क्लास एज ए फ्री में डेमो ज्वाइन करें, तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वापस आते हैं अपने इस पे। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज है कि मान लीजिए कि मेरा टारगेट 85 है, तो मुझे देखना है कि कौन कौन से मंथ में टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहां अगर हम लिखते हैं टारगेट अचीव, तो अब मतलब मान लीजिए कि टारगेट 85 है, तो क्या सारे मंथ में सारे लोगों ने टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है, किया है तो कितने लोगों ने किया है। तो हमें जो फॉर्मूला ऊपर लगाया था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम बाई कॉलम का लगाएंगे और एरे को सिलेक्ट करेंगे। एरे सिलेक्ट कर लिए, फंक्शन, फंक्शन में सेम वही लैम डीए लगेगा और इसमें पैरामीटर मैंने ए ले लिया और यहाँ पे हम करते हैं काउंट इफ और यहाँ पे देते हैं ए रेंज हो गया और क्राइटेरिया है ग्रेटर देन इक्वल टू और इसके साथ हमने एन परसेंट अपना 85 सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई इसमें जो है जीरो है, किसी ने भी 85 सेल नहीं किया, इसमें मैंने किया, इसमें दो लोगों ने किया है, इसमें दो लोगों ने किया है, इसमें एक किया है। इस तरह से आपको मंथली का ये बता देगा कितना टारगेट हमने किया हुआ सिंगल फॉर्मूले से। ए चलो, तो ये चीजें तो नॉर्मल हम कर लेते हैं नॉर्मल सम के फॉर्मूले से, लेकिन अगर मान लीजिए हमें एक लिस्ट निकालनी हो यहाँ पे मंथ टारगेट, मंथ ऑल टारगेट
मतलब कि कौन सा मंथ, सारे मंथ लिस्ट चाहिए जिसने टारगेट अचीव किया। जैसे कि मार्च में टारगेट अचीव किया है तो मुझे मार्च का महीना चाहिए, मई में अगर यहाँ पे मई में किया, अप्रैल मई जून किया है, जून नहीं किया है, मई जून किया है, तो ये सारा लिस्ट हमें चाहिए। अब ये चीजें कैसे आएगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका मदद करेगा। ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है ना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा यहाँ पे, बस इसमें हम फिल्टर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, फिल्टर का फॉर्मूला, फिल्टर फॉर्मूला हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और ए हमने सिंपल सा बोला इंक्लूड में कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपका आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरह से कॉलम में आया, मुझे यहाँ रो में चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे या उसी फॉर्मूले के अंदर या यहीं पे ट्रांसपोज कर देंगे, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। या फिर इसी फॉर्मूले को जो हमने यहाँ लगाया हुआ है, इसी फॉर्मूले को हमें ट्रांसपोज में डाल दीजिए। ट्रांसपोज में जब जैसे इसको डालेंगे, ये आपके सामने आ गया लिस्ट, इसको डिलीट कर सकते हैं, ये हमारा लिस्ट हो गया। अब सेम काम हमने क्या कॉलम वाइज किया, मंथ के हिसाब से। अगर मुझे ये पता करना हो कि किस किसने अपना टारगेट अचीव किया है, किस किस पर्सन ने पूरे साल में टारगेट अचीव किया है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सेम हम फिल्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, अपना इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहां पे बाय रो एरे हम अपना डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, और सेम यहाँ पे फॉर्मूला सेम लगेगा, लेम दिए पैरामीटर ए, और यहाँ पे हम लगाते हैं काउंट इफ ए, और हम यहाँ देते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू n%85, और यहाँ पैरामीटर्स आपका लैम्डा खत्म हो गया, बाई कॉलम भी खत्म हो गया, काउंट इफ खत्म हुआ, लंबार खत्म हुआ, बाय कॉलम तीन में कॉलम लगाना पड़ेगा, और इसमें हमने बोल दिया ग्रेटर देन जीरो, एंटर प्रेस करके कीजिए, तो ये सारे लिस्ट आ जाएगा कि भाई पूरे डेटा में मोहन, इंदर, ओम, इंदु और पुनीत ने टोटल सेल किया हुआ है, टोटल सेल किया हुआ। अब यहां ये बारी आती है कि इसने टोटल अमाउंट कितना सेल किया है, तो इसके लिए आपको यहाँ टोटल लगा के सम इफ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 2021 सेल्स, तो यहाँ भी हम सेम क्या करेंगे, बाय कॉलम का नहीं बाय रो लगेगा, बाय रो और एरे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना डेटा डेटा सेलेक्ट कर लिए, फंक्शन में सेम लैम डीए में पैरामीटर ए हो जाएगा, और यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा सम इफ में रेंज हो जाएगी हमारी ए सम इफ, ये हमारी रेंज हो जाएगी, क्राइटेरिया हो जाएगा ये हमारा ए, और सम रेंज हो जाएगा ए। गलत आ गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे मुझे लैम दिए नहीं करना होगा, लैम दिए ये पैरामीटर हो जाएगी हमारी इसके लिए कुछ और सोचना होगा, क्योंकि तो इसका बेटर ही रहेगा कि मैं यहाँ पे टोटल कर लें,
लाइक इसका और फॉर्मूले भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कॉम्प्लिकेटेड है और वीडियो में कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला सीखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जो है इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और हम यहाँ इसके लिए हम सम इफ का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं जो कि बेटर है। सिंपल। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय। और चैनल पे बने रहें, ऐप को डाउनलोड कर लें, किसी तरह की दिक्कत हो तो कॉल करें। थैंक यू।